ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज 3 जुलाई, दिन बुधवार, बुध प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। आषाढ़ मास की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई बुधवार को है। चूंकि बुधवार के दिन यह प्रदोष व्रत है, इसीलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत रखने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से साधक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और इस दिन बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सभी भक्तगण मेरे साथ बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। कथा शुरू करने से पहले यदि आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुध प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अपना जीवन भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करती थी। उसके एक पुत्र था। एक दिन ब्राह्मणी संध्या के समय भिक्षा लेकर लौट रही थी। रास्ते में ब्राह्मणी को एक नदी के किनारे पुत्र दिखाई दिया। उस ब्राह्मणी ने इधर उधर देखा, बालक के समीप कोई भी नजर नहीं आया। उस बच्चे को वह अपने घर ले आई। वह अपने बेटे के साथ उस बच्चे को भी प्यार से पालने लगी। प्रेम पूर्वक आनंदित होकर तीनों माँ बेटे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों लड़के वृद्ध ब्राह्मणी के साथ काम में भी हाथ बटाते थे। और जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ऋषि सांडिल्य के आश्रम पहुंची और वहां साथ जाकर अपनी सारी बात सुनाई। उस समय दिव्य शक्ति से दोनों बालकों का भविष्य जानकर ऋषि सांडिल्य बोले कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है और शत्रुओं के आक्रमण के कारण इसका राजपाट छिन गया है, इसीलिए यह और इसके पिता का निधन हो चुका है। माता की भी अकाल मृत्यु हो चुकी है, इसी कारण यह बालक अनाथ हो गया है। जल्द ही इसका खोया हुआ राज्य वापस मिल सकता है। यदि तुम इसको प्रदोष व्रत रखना सिखा दो, साथ ही तुम भी प्रदोष व्रत करो। ऋषि सांडिल्य के कहने से, उनकी आज्ञा से वृद्ध ने प्रदोष व्रत का पालन किया। साथ ही अपने दोनों बच्चों से यह व्रत की कथा सुनाई। एक दिन दोनों ब्राह्मणी के दोनों बेटे वन में खेल रहे थे। घूमने भ्रमण के लिए निकले हुए थे तो उनकी मुलाकात विदर्भ देश की राजकुमारी अंशुमति से हुई। राजकुमारी अंशुमति को वह राजकुमार पसंद आ गया। उसने अपने पिता से कहकर और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मणी ने अपने जो उसे बेटा मिला था विदर्भ देश का राजकुमार, उसकी शादी अंशुमति जो कि गंधर्व कन्या थी उससे करा दिया। विवाह के बाद राजकुमारी के पिता की मदद से विदर्भ देश पर उस राजकुमार ने हमला किया और इस युद्ध में विदर्भ नरेश को करारी हार का सामना करना पड़ा और उस राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। वह राजकुमार पत्नी अंशुमति, माता ब्राह्मणी और अपने भाई के साथ अपने राज्य में वापस लौट गए। वहाँ अपनी माँ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। माँ का
और अपने भाई को भी एक बहुत ही उच्च पद पर नियुक्त किया गया। इस तरह से प्रदोष व्रत के प्रभाव के कारण ना सिर्फ राजकुमार की अपितु ब्राह्मणी और उसके बेटे की भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो गई थी। इस तरह से जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, महादेव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमः शिवाय। महादेव जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।